दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल में आएगा बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन को प्रेस करके लाइक कर लीजिए ताकि हर टेक से रिलेटेड वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों यहां पर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जियो फोन 3 की अनबॉक्सिंग और स्पेसिफिकेशन के बारे में और बुकिंग के बारे में भी कुछ बात करूंगा। वीडियो इंपॉर्टेंट है, आपको बताऊंगा कैसे बुकिंग के नाम से मतलब पैसे वैसे यहां पर आप ट्रांसफर करके बुक करा सकते हो। पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करके मैं ही बुक कर देता हूं जियो फोन 3 वैसे, तो मैं यहां पर इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो को एक सेकंड भी कहीं भी मिस मत करिएगा वरना आप इस वीडियो का कुछ और ही गलत मतलब निकाल लोगे। आई थिंक आप समझ रहे हो। बता दें दोस्तों सैमसंग के गैलेक्सी नोट 10 प्लस का इन्फिनिक्स के हॉट 8 और जियो का 490 रुपीज़ का रिचार्ज हम गिव अवे कर रहे हैं, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी गिव अवेज का, तो जाइए पार्टिसिपेट करिए। मे भी हो अगर आपका लक अच्छा हुआ तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस आपको फ्री में मिल जाएगा, और वो नहीं तो इन्फिनिक्स हॉट 8, और अगर वो नहीं तो जियो का 490 रुपीज़ का रिचार्ज तो मिल ही जाएगा, डाटा मिल गया तो सब कुछ मिल गया। तो दोस्तों मतलब जियो फोन 3 को लेकर क्या अपडेट है, अनबॉक्सिंग और ये जो भी कुछ क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे, बुकिंग का भी आ रहा था, तो सब कुछ जानकर इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं जियो फोन 3 की, तो जियो फोन 3 का दोस्तों अनबॉक्सिंग यूट्यूब पे काफ़ी मिल जाएंगी, फुल स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा। हालांकि अगर मैं बात करता हूँ बुकिंग की, तो आप बुक करा सकते हो मेरे से। जी हाँ दोस्तों, मैं जियो फोन 3 बुक करता हूँ, मैं बहुत ही अच्छा हूँ और मैं सबका हेल्प करता रहता हूँ वैसे भी। तो जियो फोन 3 मैं बुक कर सकता हूँ, बस आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फादर नेम, मदर नेम, फ़ोन नंबर, एरिया पिन कोड और दोस्तों यहाँ पर मुझे मतलब अपना फ़ोन पर्सनल नंबर देना होगा। फिर मैं आपसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करूँगा और आपसे कुछ अमाउंट मांगूंगा, वो मुझे सेंड करना होगा बाय पेटीएम बाय बैंक ट्रांसफ़र। फिर मैं आपका जियो फोन बुक कर दूंगा और आपको एक इन्फॉर्मेशन वाला मैसेज भी भेज दूंगा, SMS भी भेज दूंगा। तो आपको मतलब रियल SMS भेज दूंगा जियो फोन 3 के ऊपर, मतलब कि जियो फोन 3 आपका बुक हो गया है। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। अब आपको ये सुनने के बाद ऐसा कुछ लगा ना कि यार बंदा चोर है साला, मतलब पैसे मांग रहा है यार। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके साथ स्कैम फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ऐसा मैं नहीं बहुत अदर लोग करें, हालांकि मैं तो आपको इससे अवेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको दोस्तों कोई भी जियो फोन 3 के नाम से पैसे मांगता है कि मैं आपका ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बुक कर दूंगा, ये SMS आ जाएगा, इतना रुपया पेटीएम कर दीजिए, इतना रुपया बैंक अकाउंट में डाल दीजिए, मत करिएगा दोस्तों। अभी एक बंदा यहाँ पर फ्रॉड में फंस चुका है और उसका ईमेल भी मुझे आया था, आप देख सकते हो पूरा पूरा चिट्ठा है, आप पढ़ सकते हो, 3500 रुपीज़ में फ्रॉड में फंस गया। उसके बाद दोस्तों ऐसे एक ईमेल नहीं, ऐसे मेरे पास हजारों हैं ईमेल जो कि जियो फोन 3 को लेकर हैं, और काफ़ी यूट्यूब पर ऐसी वीडियोज़ हैं जो मतलब फेक वीडियोज़ बना के पैसे पेटीएम अकाउंट में या बैंक अकाउंट में आप लोग से ही मंगा रहे हैं। तो आप फ्रॉड में फंस सकते हो, स्कैम हो सकता है, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी किसी के साथ शेयर मत करिएगा, क्योंकि अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी का शेयर हो गई तो आपका सब कुछ चला जाएगा आपके हाथ से, तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। अब आपको बता दें जियो फोन 3 को लेकर काफी कमेंट आ रहे थे कि सर आप ये बताइए कि आप कह रहे हो कि जो भी YouTube पे वीडियोस हैं वो फेक हैं, तो ये जो जियो फोन 3 की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं ये अनबॉक्सिंग कहां से ला रहे हैं? तो दोस्तों आपको बता दें कि जैसा मेरे पास अभी हाथ में है पोको F1, तो इसका बॉक्स जो है उसको मैं इसमें पैक कर दूंगा और बॉक्स के ऊपर मतलब प्रिंटर से प्रिंट आउट करके निकालूंगा, कलर प्रिंटर से प्रिंट आउट करके निकालूंगा जियो फोन 3 का लोगो वोगो और जियो फोन 3 लिख के निकालूंगा और उसी बॉक्स पे चिपका दूंगा। तो दूर से जब कैमरा रख के कोई शूट करेगा तो ऐसे लगेगा कि जियो फोन 3 ही अनबॉक्स कर रहा हूं, तो वो सब वीडियोस जो है वो फेक हैं, वो क्लोन बनाते हैं, खुद घर पे बैठ के बनाते हैं, फ्री का टाइम होता है, फ्रॉड करना होता है आप लोग के साथ में उनको, तो वो सब फेक मतलब सब कुछ बॉक्स बनाते हैं, फोन बनाते हैं, और फोन होता है रियलमी का, रेडमी का, और दिखाते हैं कि जियो फोन 3 हमने अनबॉक्स कर दिया, फिर आपसे कहते हैं ये अमाउंट वो अमाउंट फलाना धमाका, स्पेसिफिकेशन 45 मेगापिक्सल कैमरा, फिंगरप्रिंट, एमोलेड डिस्प्ले और 5000 mAh की बैटरी, DSLR वाला कैमरा, पता नहीं क्या क्या, 8GB RAM, तो सब कुछ फेक हवाइयाँ उड़ाते हैं। तो प्लीज़ अवेयर रहिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि 1500 रुपये में मैं बुक कर दूंगा जियो फोन 3, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, कहीं जियो फोन 3 नामो निशान नहीं है, जब मुकेश अंबानी जी ही नहीं जानते कि जियो फोन 3 मार्केट में उनका आया भी है या नहीं आया, तो दूसरे पर्सन यार कैसे बुक कर सकते हैं? तो हमारी भी जियो से बात भी होती रहती है, तो ऐसा कोई भी अभी कोई सीन नहीं है, मे बी फ्यूचर में आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना एकदम अभी नहीं है कि कोई बंदा बुक करके वो आपकी घर तक पहुंचा दे। तो जियो फोन 3 अभी जितने भी वीडियोस हैं यूट्यूब पे वो अधिकतर फेक है, मेरी छोड़ के, क्योंकि मैं आपको रियलिटी बताता हूं और इसीलिए शायद आप मुझे पसंद भी करते हो। दोस्तों अगर आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस रोजाना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।